गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रकाश चंद्र बिरयार और डीपीएस के जिला के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चैप्टर अपना चल रहा था फर्स्ट नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क में दिया था मैंने आपको कुल दो क्वेश्चन, वो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा पैटर्न हटके हैं तो आपको शायद समझ में आया होगा, फिर भी आप देख ले एक बार। क्वेश्चन 7 था कि हाउ मैनी 8-डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, हाउ मैनी 8-डिजिट, हाउ मैनी 8-डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। ये आपका होमवर्क था, फिर भी मैं एक वापस बता देता हूँ आपको समझ। पहले क्या करें आप, स्मॉलेस्ट लेके ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट कितने डिजिट का, ग्रेटेस्ट यानी बड़ा होता है 8 डिजिट का, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर लिख लिया, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर लिख लिया, इन दोनों नंबर को आपको वो माइनस, ठीक है, 3, 3, 6 और 8, 2, 8, इसमें से माइनस करो आप ये नंबर 3, 3, 6 और 8, 7, ठीक है, ये नंबर माइनस करो और उसमें एक नंबर क्या करो प्लस, ठीक है, तो 9 में से 9 गया, मैं क्या करूँगा 3 times 6 times 2 times 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 में से 0 गया, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 में से बन गया 8, तो यहाँ पे बचेगा 8 और बाकी 2, 4, 6, 7 times 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 3, 3, 6, 3, 3, 6 and 7, ठीक है। अब इस नंबर में हमें एक नंबर प्लस करना है, तो एक नंबर यहाँ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 में जुड़ेगा 10 का 0 और इसमें 1 बन जाएगा, तो ये आंसर आएगा, तो आप इसको उतार ले आराम से। अब आगे वाला आप 8 वाला खुद ही कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस के बाद में अपन एक्सरसाइज आपको लास्ट जो 8 वाला है वो आपको खुद ही करना है, मैंने एक और बता दिया कि दोनों होमवर्क है, कुछ भी नहीं करना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट को माइनस कर लो और जो आए उसमें एक नंबर प्लस कर लो, तो आपकी सारी संख्याएं आ जाएगी। तो बढ़ते हैं फिर अपन आगे एक्सरसाइज, अपनी जो 1.1 है वो 1.2 वो फिनिश होती है, अपन चलेंगे 1.3 में। 1.3 में क्वेश्चन है, आपको अब सबके पास बुक होना जरूरी है क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो अपन बोर्ड पे पूरे लिखवा नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक से देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आप देखते जाइए, इन अ गोडाउन देयर इज ए स्टॉक ऑफ, ये गोडाउन है, गोडाउन का मतलब गोदाम, गोदाम है उसमें क्या है स्टॉक है, स्टॉक का मतलब माल इकट्ठा हो रखा है, देयर इज ए स्टॉक ऑफ
वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख सेवेंटी लैख एटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी फाइव बैग्स ऑफ वीट। बैग का मतलब बोरिया, तो गेहूं की बोरिया कितनी है? सेवेंटी लैख एटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी वीट है। फिर है फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव लैख फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी नाइन बैग्स ऑफ राइस। एंड उसके बाद में है फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी थ्री बैग्स ऑफ सुगर। हाउ मेनी बैग्स आर ऑल टुगेदर इन द स्टॉक? ये बोला भाई इतने बैग शुगर के हैं, इतने वीट है, इतने राइस है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। एक है हमारा गोदाम है, हमारी दुकान है, दुकान है तो हमने एक गोदाम ले लिया माल ज़्यादा रखने के लिए, है ना। दुकान में तो कम माल आता है तो इसलिए हमने एक गोदाम ले लिया। तो गोदाम में हमारे गेहूँ की बोरियाँ पड़ी हैं इतने सत्रह लाख, फिर चावल की बोरियाँ पड़ी है राइस, उसके बाद में शुगर की चीनी की बोरियाँ पड़ी हैं, सबकी अलग अलग क्वांटिटी है। तो वो ये बोल रहा है ऑल टुगेदर, अब सबको इकट्ठा करें तो कितनी बोरियाँ है, तो सबको इकट्ठा कब करते हैं और कैसे करते हैं? प्लस, यानी प्लस करते हैं तभी तो होता है, इकट्ठा होती है, तो इसमें क्या करना है हमको? प्लस करना है। तो देखते हैं, सिक्स नाइन फोर बैग्स ऑफ वीट गेहूं की बोरियां, ये क्या है? गेहूं की बोरियां। फिर है बैग्स ऑफ राइस, राइस के आपने उल्टे से लिखना, नाइन राइस के नाइन सिक्स सेवन एट फोर फाइव पीछे से लिखना, ठीक है। ये है बैग्स ऑफ राइस, बैग्स ऑफ राइस। फिर है बैग्स ऑफ शुगर कितने हैं, ये भी शुगर के पीछे से लिखना, थ्री एट थ्री एट नाइन फाइव फोर, ठीक है। ये अब ये सारी बोरियां हैं, वो क्या बोल रहा है कि हमारे जो बैग्स ऑफ शुगर अब वो बोले हमारे गोदाम में इतनी बोरिया गेहूँ की है, ये हमारे चावल की बोरिया है और ये शुगर की बोरिया है, तो हमारे पास में टोटल कितनी बोरिया है, टोटल जब भी आ जाए तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, फोर और थ्री होते हैं सेवन और नाइन सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स वन या कैरी, नाइन और वन होते हैं टेन, टेन में सिक्स जोड़ो सिक्सटीन, सिक्सटीन और एट होते हैं ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर का फोर टू कैरी, सिक्स और टू होते हैं एट, एट और सेवन होता है फिफ्टीन, फिफ्टीन और नाइन होता है ट्वेंटी फोर, ये भी फोर टू कैरी, ये टू जोड़ दो एट में टेन और फाइव फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी का जीरो, ट्वेंटी का जीरो और टू कैरी, एट में टू जोड़ दो टेन, टेन फोर फोर्टीन और फोर एटीन, एटीन का एट इसमें जोड़ दो सेवन फाइव ट्वेल्व और एट वन थर्टीन और इसमें एक कैरी देगा। तो ये हो गई टोटल बोरिया है, टोटल बैग्स ऑफ टोटल बैग्स है वो अपने आगे हैं। तो हाउ मेनी बैग्स आर ऑल टुगेदर इन द स्टॉक, तो लिखेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री, तो ट्वेंटी थ्री लैख एट्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स बैग्स, बैग्स आर ऑल टुगेदर इन द शॉप, ए एन ओ आर ऑल टुगेदर इन द स्टॉक। ये आपको क्वेश्चन करना है, फटाफट उतार ले आप इसको।
जल्दी से आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, आज का जो होमवर्क है वो देते हैं आपको। जो होमवर्क है वो आपको करना है क्वेश्चन सेकंड आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज, जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है वो स्टेट यानी हमारे स्टेट की है वो इतनी है, ठीक है। इफ आउट ऑफ देम आर इलिटरेट, अगर इसमें से ये संख्या इलिटरेट है, इलिटरेट का मतलब अनपढ़, तो फाइंड द नंबर ऑफ लिटरेचर पर्सन, तो हमें क्या करना है माइनस करना है। इस संख्या में से पहले ऊपर ये लिखनी है, उसके नीचे ये संख्या लिखनी है, और दोनों को क्या करना है माइनस, क्या करना है माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर देखो ये जो संख्या लिखो इसके सामने लिखना पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, फिर नीचे लिखना इलिटरेट, और जो आंसर आए वो लिख लेना लिटरेट पर्सन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इस प्रकार आज की जो क्लास है अपनी वो इस होमवर्क के साथ में फिनिश होती है। कल फिर मिलेंगे अपन इसी समय पे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।